वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। सब्सक्राइब कीजिए टॉय एंजॉय चैनल को एंड बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बताऊंगी जो वाटर बॉटल रहता है उसको कैसे साफ़ करना है विदाउट ब्रश। हम लोग जो बोतल को खाली बाहर बाहर से साफ़ करते हैं, अंदर से साफ़ नहीं करते, तो उसको अंदर से भी साफ़ करना चाहिए। अंदर बहुत चिपचिपा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये है राइस, विम लिक्विड सोप, आप लोग कोई भी लिक्विड सोप ले सकते हैं, बेकिंग सोडा, लेमन और वाइट विनेगर। इसको यूज करके हम लोग ये बोतल सब साफ करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स है, आप लोग एक बोतल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और विम लिक्विड डालेंगे। कोई भी लिक्विड सोप आप लोग यूज कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से बंद करके उसको हिला लेंगे। सेकेंड टिप्स है, आप लोग एक बोतल लेंगे, उसमें विम लिक्विड डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसके बाद कैप बंद करके उसको हिला लेंगे। थर्ड टिप है, विम लिक्विड लेंगे, 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा सा राइस लेंगे, उसको कैप बंद करके अच्छे तरीके से हिला लेंगे। फोर्थ टिप है, थोड़ा एक विम लिक्विड लेंगे, उसके बाद बेकिंग सोडा लेंगे, थोड़ा सा नींबू लेंगे और राइस लेंगे। थोड़ा सा विनेगर भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून और उसके बाद अच्छे तरीके से उसको हिला लेंगे। बाद में ये बोतल सबको हम लोग अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। और एक ठो बोतल है, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, नींबू लेंगे, वाइट विनेगर लेंगे और 2 टेबल स्पून हम लोग बेकिंग सोडा देंगे और उसको अच्छे तरीके से सेक करेंगे। बोतल सबको हम लोग बाहर से भी अच्छे तरीके से साफ़ ले कर लेंगे। इसके लिए स्क्रबर लेके उसमें विम लिक्विड सोप मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आप कोई भी लिक्विड सोप लेके अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। उसका कैप को भी साफ़ करना है और जो बोतल का जो मुंह होता है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। आप लोग ब्रश का भी हेल्प ले सकते हैं, जो लाइनिंग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना रहता है, क्योंकि गंदगी उस जगह ज़्यादा जमा होकर रह जाता है। ऐसे करके साफ़ करने से आप लोग का जो बोतल का स्मेल रहता है वो भी चला जाएगा। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद अच्छे से बोतल सबको नॉर्मल वाटर में धो लेंगे। अच्छे तरीके से पानी में धोना है, कैप को भी धो लेंगे। उसके बाद बोतल सबको आप लोग उल्टा करके रख देंगे और आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर में साफ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉटन कपड़ा लेके उसको पोंछ सकते हैं। आप लोग बोतल सबको ऐसे उल्टा करके कुछ समय तक ऐसे छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।